नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली के नजदीक हूँ और आपको दिख रहा है साहिवाल का बहुत सुंदर नदी टाइगर और साथ में गिर का बहुत सुंदर नदी, ये गुरु नाम है इसका। ये संस्था जो कार्य करी है स्वदेशी वीआईपी गौशाला नोएडा के अंदर है, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक में, और जो संभालते हैं वो मिश्रा जी है। और स्वदेशी वीआईपी गौशाला जिसके ऑनर है नरेंद्र जी, और बहुत सुंदर भाई साहब के द्वारा कार्य किया गया है। और दो नस्लें, तो देशी गाय की दो सर्वोत्तम नस्लों में से शाहीवाल और गिर, दोनों एक साथ एक ही जगह पे और बहुत सुंदर। किसी भी संवर्धन का मुख्य उद्देश्य और मुख्य रहता है निवेदन की भी अच्छा नंदी होना चाहिए, तो इन्होंने इस बात पे पूरा ध्यान दिया। अच्छा नंदी साहीवाल का यहाँ पर ये उपयोग कर रहे हैं, जिससे अच्छी साहीवाल की आने वाले समय में नस्लें प्राप्त हो रही है। इसके अलावा गिर का भी बहुत सुंदर नस्ली नंदी आपके द्वारा काम उनके बीचों बीच में ये गौशाला है दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, और बहुत सुंदर कार्य आपके द्वारा किया गया है। तो भाई साहब के द्वारा ये क्या विषय, नरेंद्र जी भाई साहब के द्वारा क्या सोच से ये कार्य शुरू किया गया, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए और इस विचार से देशी गाय का काम करना, ऐसी सोच आना बड़ी मुश्किल होती है। सही कहा आपने कि बहुत ही मुश्किल है ये चीज़। एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो एक तो क्या है कि जैसे जो आप धरती से जुड़े हुए लोग हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो समझते हैं भारत उनके दिलों में बसता है, और ये जो गौ माताएं हैं इनके बिना भारत अधूरा है, अपनी आयुर्वेद जो है वो भी अधूरी है। तो वहीं से इसकी जो है सो कल्पना हुई थी, परिकल्पना, क्योंकि सारे लोग हैं वो घर बचपन से देखते आ रहे हैं कि घर में सबके ये देसी गौवंश थे। अब दिल्ली NCR में क्या यहाँ पे इनका दूध मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूध को लेकर सारे लोग क्या हो गए, आपको HF पालना शुरू कर दिए, जिसके दूध की क्वालिटी काफी थर्ड क्लास है। तो वहां हुआ कि भाई A2 टाइप जो दूध है इनका देसी गायों का, तो कहाँ से मिले, तो बहुत मिलना मुश्किल हो रहा था। फिर हुआ कि इनके नस्ल पे भी कुछ काम किया जाए, इनके संरक्षण पे काम किया जाए। जब हम भारत की बात करते हैं तो गाय के बिना भारत अधूरा है, अपनी आयुर्वेद अधूरी है। तो वहां से शुरुआत हुआ कि देसी जो अपनी गौवंश है उनका पालन पोषण किया जाए। जी हाँ, तो जब हम लोगों ने सर्च किया तो गिर, साहिवाल, थारपारकर या राठी कांकरे जो भी अपनी देसी गौवंश है, तो सारी नस्लों का तो संरक्षण संभव है नहीं, कहीं पे इकट्ठे किसी भी के लिए, किसी भी संस्था के लिए, सरकार ही नहीं कोई कर पा रही है, तो आम आदमी क्या कहां से कर पाएगा। तो फिर हम लोगों ने गिर और साहिवाल पे भी काम करना शुरू किया, आने वाले समय में थारपारकर पे भी काम करना। जी जी हाँ, तो भाई साहब के द्वारा, नरेंद्र जी भाई साहब के द्वारा जो सोच से कार्य शुरू किया गया, अच्छे नंदी के संवर्धन के माध्यम से अच्छी नस्ल की गाय तैयार करना, और इन सारे विषयों पे शुरुआत में क्या क्या कठिनाई आई इस काम को करते हुए, जो जो परेशानी आई हुई, सबसे पहले तो आप इस नंदी को देखो ना, इसकी मतवाली चाल, इसका चेहरा, इसका रूप रंग, और बिल्कुल शांत, ये बिल्कुल शांत है, आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं, थोड़ा सा ही है, नाम भी हमने टाइगर दिया है ना, टाइगर जैसा ही है, इसके बच्चे भी हैं हमारे पास, इसके जो है बिल्कुल अभी दिखाएंगे आपको, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। जी जी, इसके बच्चे हैं, और ये जो अपनी गिर नंदी है इसका भी बच्चा है, इसका ध्यान भी बहुत अच्छा रखा, देखे ना। जी जी, और इसके अलावा दूसरा नंदी जो गुरु का हो, तो गुरु भी अद्भुत गुरु है, देखो ना, बहुत ही शांत स्वभाव का है वाला, दोनों नंदी एक साथ। तो भाई साहब, ये कार्य करते हुए क्या क्या समस्या आई, क्योंकि हमें क्या लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बतानी, शुरुआत जब की तो क्या क्या समस्या आपको सामना करना पड़ा? पहले तो शुरुआत में ऐसा कुछ था नहीं कि इतनी बड़ी गौशाला करनी है। उस समय तो हम लोगों ने 5 गाय से शुरुआत किया था, जो गिर ही थी उस समय अपने पास, वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया। फिर ये गौ माताएं हैं, ये पता नहीं कहाँ से इनमें क्या शक्ति है, ये शायद कोई समझ भी ना पाए, अपने आप सारी चीजें होती चली गई, हाँ ये अपने आप खींचती चली गई, और आज करीब 150 गोवंश यहाँ पर उपलब्ध है। जी जी हाँ, छाछ भी आ गई है। जी, देसी गाय, देसी गाय के छाछ की वो मिट्टी के बर्तन में, जो भी आदमी यहाँ पे आता है गोवंश को देखने के लिए, यहाँ पे उनको बिल्कुल छाछ पिलाई जाती है। धन्यवाद वैसा, लीजिए आप भी, बिल्कुल। आज दिल्ली के अंदर आप छाछ, दूध, घी, 100 रुपये लीटर तो साहिवाल का दूध जा रहा है, और 150 रुपये लीटर जा रहा है गिर का दूध। तो बहुत सुंदर, ऐसे प्रकल्प के माध्यम से गाय को बचाया जा सकता है। दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं वहाँ यहाँ आके देखते हैं, तो उनको भी एक और अदम्य शक्ति मिलती है कि इस काम से और जुड़ पाए, और इस काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे तो शेड को जो बनाया गया है, तो बिल्कुल जो वैज्ञानिक पद्धति से
हवा के निकलने के स्पेस और बाकी सारी चीजें, जी वेंटिलेशन का पूरा सा ध्यान रखा गया है। कितनी भी गर्मी वो 2 फीट की आपको जो है सो गैप है बीच में, 2 सीट्स के बीच में, ताकि वेंटिलेशन इसका बना रहे, वेंटिलेशन बना रहे। दूसरा शहर के बारे में बताऊं तो दूसरा आपने बीच में से गाड़ी निकलने की जगह दोनों जी जी हाँ चारा डाल देते, चारा डालने के लिए ताकि लेबर की भी कोई परेशानी ना हो, परेशानी ना हो जाए। बाकी जो आपके यहाँ पर गाय दूध देने वाली है गिर के अंदर और शाहीवाल के अंदर, एक समस्या तो आपने देखी होगी कि अच्छी गाय मिलना संभव बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छी नंदी जो नंदी आपके पास में है, तो 3 साल के बाद जब आप आएंगे ना एकदम रूप बदल जाएगा यहाँ का जी। हम लोगों का उद्देश्य भी है और जितने भी गौपालक गौभक्त हैं गौशाला वाले हैं उनसे हमारा निवेदन भी है कि आप अच्छे नस्ल तैयार करके ही किसानों के पास भेजें। तो हम लोगों का है कि ये भी उद्देश्य है कि गौवंश की अच्छे नस्ल तैयार करके उसको किसानों को दिया जाए। और वहाँ पे एक मुश्किल क्या है नंदी का, अब देख लीजिए इंसानों में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इन गौवंशों में हम लोग सीमेंट पे जा रहे हैं, तो अच्छे अगर बुल नहीं तैयार करोगे तो फिर सीमेंट बाद में कहाँ से लाओगे आप। तो आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया, ये जो सीमेंट के ऊपर जिस तरह से डिपेंडेंट हो गया ना, नंदी की आवश्यकता हुई। अगर आपके पास 20 से ज्यादा गायों का हर्ड है तो सीमेंट से निर्भरता हटा के अच्छे नंदी पे निर्भरता लाए तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अच्छे नंदी टाइगर जैसे और गुरु जैसे जो नंदी है, ये नंदी वास्तव में आने वाले समय की उम्मीद है और इनकी इस गौशाला को एक बहुत बड़ा नाम देंगे। दिल्ली के बीच में आज रेलवे स्टेशन से दिल्ली से निकलते हो आपको 37 किलोमीटर में, और नोएडा जो इतना बड़ा हब बन रहा है यहाँ पे, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखो, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे, तो लोगों के अंदर एक भावना भी जागृत हुई है और जिस तरह से बीमारी से बाकी सारी चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ों के लिए प्रयास हो रहा है। तो गिर में आपने यहाँ पर आज तो आप क्या खिलाते हैं ये बात सभी जानना चाहेंगे, दूसरा उससे क्या क्या अधिक से अधिक दूध कितना प्राप्त किया आपने, और शाहीवाल में भी दोनों चीज़ें आप बताएं। अभी तक तो जो खाने के रूप में है ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं हरा चारा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, उसके बाद फिर इनको सूखे चारे के रूप में भूस मिलता है यहाँ, क्योंकि हाँ यहाँ तो गेहूं का भूस ही मिल पाता है, उसमें दाने के रूप में चने का छिलका उसका चोकर चूरी दिया जाता है, फिर हम लोग दलिया बनाकर देते हैं। अब गर्मी का टाइम आ गया तो गेहूं का दलिया नहीं देकर अब जौ का दलिया डाल रहे हैं, जी जी हाँ ये डाल रहे हैं, थोड़ी सी सरसों की खल और बिनोले की खल भी देते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किया कि मूंगफली का खल मिल जाए, वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, जी जी हाँ जो उपलब्धता होती है उसी के अनुसार चलना पड़ता है, जी जी इतनी बढ़ जाती है। ये आपने सारे गोदाम बना रखे चारे के लिए? जी हाँ हाँ वो स्टोर रूम है अपना जी, उसमें राशन रहता है और इसमें सामने वाले में सूखे वाला होता है वो, जी हाँ रहने के लिए। यमुना नदी भगवान कृष्ण, ये पीछे में ही यमुना नदी बह रही है आपको, पीछे ये जो दिख रहा है आपको इसके पीछे यमुना नदी है जी, भगवान कृष्ण की यमुना नदी, तो भगवान कृष्ण की नदी के किनारे ही गोमाताएं पल रही है, बहुत सुंदर जिहंगम इन्होंने बनाया है। इसके अलावा दूसरा इनका एक पोर्शन और है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो इसके अलावा दूध में आपके यहाँ साहिवाल और गिर ने कितना दूध दिया भाई साहब, और किन क्षेत्रों से आप खरीद के लाए ये भी आप बताएं थोड़ा सा लोगों को। जी जी शुरुआत में तो हमने पास से ही लाया था, वो भी काफी अच्छे नस्ल में थी जो हमें मिल गई, फिर बीच में जब हम कुछ गुजरात और राजस्थान से गौवंश लाए, इस नंदी के बच्चे बता दीजिए पास में, ये इसका बच्चा आपको कल हो जाए दिखा रहे टाइगर की जनरेशन, और ये आपके गुरु के, गुरु के जी हाँ गुरु का ये रहा, ये कब्रे दिख रहे थे गुरु। जी जी हाँ ये बच्चा, ये नंदी है, ये और संयोग से दोनों का नंदी ही है, ये गुरु का नंदी है और इसकी माँ का दूध भी काफी अच्छा है, लंबे और एकदम बढ़िया है जी जी। इसके अधिकतम दूध आपने गिर में कितना देखा? अधिकतम दूध 16 लीटर तक है जी हाँ, जो हमारे पास, और साहिवाल में 16 से 18 लीटर तक की, 16 से 18 जी जी हाँ। तो आपको गिर और साहिवाल में कंपैरिजन करो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ बताना चाहेंगे आपके? कि थोड़ी सी समस्या है गिर में, वो एक तो क्या उसका फीचर जो है साइलेंट का, वो हीट पता नहीं चलता है, हाँ हीट साइलेंट है, काम लेते उसमें तकलीफ है नहीं जी। तो हमारे पास तो बुल है तो हमें समस्या नहीं है, लेकिन जो गोपालक हैं जिनके पास बुल ना हो तो उनके साथ ये समस्या आती है, या छोटे किसानों के साथ ये बहुत समस्या आती है। तो हम लोगों ने उस पर भी विचार किया हुआ है कि हम बुल तैयार करेंगे और किसानों का एक समूह बनाकर, जैसे 2-4 पंचायत या गांव तहसील को इकट्ठा कर वहाँ 1-2 बुल कोशिश करेंगे हम लोग कि अच्छे नस्ल का बुल उन लोगों के बीच उपलब्ध कराया जाए जी। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्षेत्र में भी काम हो जाएगा जी। बाकी दूध में दोनों ही बढ़िया है, दूध में दोनों ही बढ़िया है, क्वालिटी जो आप दूध देते हैं दोनों 100 रुपए साहिवाल का 150 रुपए गिर का दूध, क्वालिटी में क्या, ये भी बहुत सुंदर बछड़ी आपके,
जी कबड़ी है और ये प्रेग्नेंट है 2 महीने की, तो है भी हाइट और दूध भी अच्छी होगी आपके। फर्स्ट में ही है लीलड़ी जी, ये लीलड़ी ये भी क्रॉस है आपको 1 महीने की जो बैठी हुई है सामने जी, ये तो आपको छोड़ेगी नहीं। कबड़ी सारे है। इनके पास आप एक बार बैठ जाओ ये आपके गले से लग जाती है, फिर उसके बाद जाएगी नहीं है, आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी ये। बहुत प्यारी, काफी मजा आता है इनको। बिल्कुल शांत एकदम। और इसके अलावा मछली आपके सारी अच्छी है जी जी, ये सारा अपना ब्रीडिंग सेंटर का है जी। हमारा प्रयास है कि इसी तरह की अच्छे नस्ल की बछड़ियां तैयार की जाए जी, धीरे धीरे इस पे काम हो। वो नंदी भी आप काम दे रहे सर्विस हो, ये मोहन है बहुत प्यारा है, ये नंदी भी आपके अच्छा है जी, ये भी काफी शांत स्वभाव का है। दिल्ली के अंदर गुजरात से दूर ये मोहन, ये भी काफी शांत स्वभाव का है, बिल्कुल सीधा है। ये आप जो प्रेम रखते हो ना आके हाथ देना और लाड़ प्यार करते हो, इस कारण इतने शांत है सारे, देखो ना बहुत प्यारा है, इतना फुल बड़ा माथा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा नंदी है। कैटरीना में, अच्छा कैटरीना भी नाम रखा? जी हाँ, कैटरीना भी है जो हमारी पहली गौ माता थी उसकी बछड़ी है। आज सुबह सुबह हम आए थे कोई वीडियो वगैरह के माध्यम से नहीं, पर रोहित भाई के घर पे आया तो पास में आपका, ये सौभाग्य तो है हमारी गौशाला का कि आप जैसे गो भक्त यहाँ पे अपना चरण रख, देख के इतना अच्छा लगा है और आपने बहुत बढ़िया काम किया है। हो गया तुम्हारा प्यार हो गया, चलो 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 अब जाओ 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 अब जाओ, थोड़ा सा प्रेम भाव। और आज वास्तव में गाय को जरूरत है, जिस तरह देखिए उछाल है और सर इंसान इतना निस्वार्थ नहीं है जितनी ये गौ माताएं होती है। ये गौ माता भी हाइट बिल्कुल कम है इनसे? जी हाँ, लोकल यहीं की कोई है? नहीं, ये बहुत मुश्किल से मिला था हम लोगों को। अच्छा। जी, और इसके बारे में काफी सुने थे हम लोग, फिर ये गौ माता हमारे संपर्क में आई, तो ये नस्ल का तो इसका नहीं है, इसको बोनी बोला जाता है। हाँ, इसे वैसे आम बोलचाल में बोनी बोला जाता है और माना जाता है कि भगवान राम इनका दूध पीते थे। जी जी हाँ, तो कैटरीना आप कह रहे थे भैया कुछ? जी हाँ, अभी कैटरीना को बोल, कैटरीना कैटरीना कहाँ, कैटरीना कहाँ है भाई, कैटरीना को देखना है हम तो क्या? अच्छा, उसके पाँव में थोड़े वार रखे हैं अभी। हरे चारे में आप क्या क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? हरे चारा में अभी ज्वार आ रहा है जी, तो सामने प्लॉट है उसमें कुछ ज्वार है और उसके बाद 2-3 किसानों से भी हमारी बात है, तो वहाँ से भी हरा चारा आते रहता है। कितना लीटर दूध हो जाता है रोज का? दूध पे हम लोगों का फोकस नहीं होता है क्योंकि बच्चे के बाद ही दूध निकालते हैं, तो लगभग 125 लीटर के करीब में। 125 लीटर जी जी हाँ, 30-35 के करीब में अपनी गौ माता जो है। सुबह का और सुबह से शाम का? नहीं नहीं, दोनों टाइम में, दोनों टाइम का, दो थन का दूध बच्चे को। तो आपका उद्देश्य यही है कि ये देखी जाए कि संवर्धन के माध्यम से नस्ल से ये गाय बचनी चाहिए और अच्छे नंदी के माध्यम से अच्छी गाय तैयार हो और लोग इस बात को समझ पाए। आस पास के गाँव में भी क्रांति के माध्यम से उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है और लोगों को जोड़कर दोस्तों आपका समर्थन सहयोग बना रहे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही मातृत्व प्रेम गो माता का आप सभी का बना रहे। जय गो माता, जय गो माता।